ना ये हाइब्रिड है, देसी चारा है, और ना गायों को कोई बीमारी हो रही है, और ना ये आप कहीं भी देखो ना ये काणी हो, और नॉर्मल ज्वार या नीचे से लेके ऊपर तक बिल्कुल हरी जी, और उंगलियों जितनी मोटी है, ये ज्यादा मोटी नहीं होती जी, और ऐसा नहीं है कि इसमें वजन नहीं है, पूरी हैवी है, वेट बहुत होता है और मीठी होती है और गाय में। प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूँ जागरूक किसान चैनल पर। तो यहाँ पर नंदपुर केशवर गांव में पटियाला जिला में यहाँ पर रवि सर से मिलवाता हूँ आपको, जिन्होंने बड़े ही शानदार तरीके से एक अलग से एक ऐसी घास का निर्माण किया है, एक अलग से अपने दिमाग से ऐसी घास लगाई है जो सालों साल तक चलती रहती है, और ये सुपर नेपियर और जितनी भी हाइब्रिड हैं उन सब से अलग है। तो रवि सर नमस्कार। राम राम भाई जी सारे ने। सर आपने जो ये घास लगा रखी है, पहले तो इसका नाम बताएं, आपने क्या नाम दिया, क्योंकि इसका आविष्कार आपने ही किया है। जिसको मैंने सुपर ज्वार का नाम दिया है जी। तो आपको ये मतलब तकरीब कहाँ से मिली, आपको कहाँ से आपने इसको लगाया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये दरअसल ना मेरे खेतों के पास ही बहुत सारे एरिया में बरू घास के पौधे लगे हुए हैं जी, तो मैं उसमें से देख रहा था कि तकरीबन 8-9 साल से कि एक पौधा उन सबसे अलग है जी, वो हाइट लेंथ और उसकी क्वालिटी ना, उसमें कांटे थे जी, तो मैं उसको उखाड़ लाया वहाँ से जी, और उसकी स्टिक्स बना के मैंने खेत में बो दी जी। तो वहाँ से बढ़ाते 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 तकरीबन ये मेरे पास आधा एकड़ से ऊपर जगह है, 3.5 साल पहले मैंने यहाँ पे लगा दिया ये जी, और ये तब से लगा हुआ है, मैंने इसको ना उखाड़ा ना फेंका, और ये कंटिन्यू 3.5 साल से चल रहा है जी, और अभी भी चल रहा है ये, और ये फुली ऑर्गेनिक है। और अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो अगर मोटा सा अंदाजा लगाऊं तो 1500 से लेके 2000 क्विंटल प्रति एकड़ एक साल में ये चारा उपज हमें दे रहा है। ठीक है। और इसका अभी वो भी चेक करवाया था, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू वो 12 से लेके 14% इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू, प्रोटीन भी है जो सामान्य ज्वार में तकरीबन 10% के आसपास मिलती है। हाँ जी। और इसमें आपको कोई भी स्प्रे ना, तो इसमें कोई कीड़ा लग रहा है, और पूरी ये कोई हाइब्रिड भी नहीं है, ये इसको बीज भी आता है बकायदा, अगर आप 3 महीने इसको खड़ी रख लेंगे तो इसमें बीज भी आता है, ना ये हाइब्रिड है, देसी चारा है, और ना गायों को कोई बीमारी हो रही है, और ना ये आप कहीं भी देखो ना ये काणी हो, और नॉर्मल ज्वार या नीचे से लेके ऊपर तक बिल्कुल हरी जी, और उंगलियों जितनी मोटी है, ये ज़्यादा मोटी नहीं होती जी, और ऐसा नहीं है कि इसमें वजन नहीं है, पूरी हैवी है, वेट बहुत होता है, और मीठी होती है, और गाय भैंसें और कितनी बढ़ जाए नीचे से ऊपर तक हरी रहेगी जी। और ये कितनी उम्र हो चुकी है जो अब फिलहाल जो इसने जो लेंथ कवर की है, ये तकरीबन 35-40 दिन के आसपास के बीच की, और बारिश पे ही हुई है ये, इसको पानी नहीं लगाया, और पूरी तरह ऑर्गेनिक है ये, इस सीजन की इस गर्मी की ये चौथी कटिंग है इसकी जी, ये चौथी कटिंग रेडी हो चुकी है बिना किसी यूरिया या केमिकल के, और ना इसमें कोई कांडा कैसे भी इसके बीच घुसे रहो, मुँह पे मारो, इसमें कोई कंडे भी नहीं है। ठीक है। किसान बोलते हैं कि महाराज ये कट गया वो कट गया। प्रतिवर्ष कितनी कटाई दे देती है ये 6 से 7 कटाइयाँ मिनिमम ऐसे साथ, अगर बाकी आपकी ज़मीन पर डिपेंड करता है तो 10 कटाइयाँ भी आप ले सकते हो। तो इसकी उम्र का तो हम अंदाज़ा लगा नहीं सकते क्योंकि अभी आपको 3.5 वर्ष हुए। वैसे ज़्यादा कुछ पौधे तो 5 साल तक भी खड़े हैं जी, वो सही चल रहे हैं, पर इस खेत में 3.5 साल से और तकरीबन 3-3 फुट के गैप पे मैं आपको आगे दिखाता हूँ ये बोई थी हमने जी, ये पास पास भी नहीं है, और एक एक पौधे का फुटा है जो 20-25 किसी में 40-50-60 तक भी गया हुआ है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि जो इसके जो तने की मोटाई है ये बहुत कम है, जो बल्कि जो सुपर नेपियर जैसी जो या नेपियर जैसी जो घास से हैं उनकी जो तने की मोटाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो ग्रास कटर में काटते समय भी परेशानी देते हैं और गायों भैंसों से चबाने में भी मुश्किल रहती है, लेकिन ये बिल्कुल सॉफ्ट बिल्कुल नरम, और इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा है थोड़े से ही गट्ठे में बहुत ज़्यादा वजन बन जाता है। और सबसे बढ़िया बात भाई ये देसी चारा है, ये कोई हाइब्रिड नहीं है, और इसको खिलाने से ये भी नहीं कि गाय भैंस है उनकी जो फर्टिलिटी उनकी बच्चा गाभिन ठहरने के ऊपर कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं क्योंकि ये देसी चारा है, देसी बीज है, ये कोई हाइब्रिड नहीं है जी जी, ये नेचुरली कुदरत ने तैयार किया हुआ है और कुदरती रूप से ही हो रहा है ये जी सर जी भाई जी। और आप देखें, आप ये देख सकते हैं हम बिल्कुल इसको, ये ऐसा नहीं 1 इंच छोड़ा है 2 इंच, बिल्कुल धरती के सामान्य दूरी पर ये काट दी हमने ये साइड से भी, और ये तकरीबन 3 दिन पहले काटा है जी ये साइड पे जगह जगह, और इतनी इतनी गैप पे है एक एक पौधा, अगर आप आगे आगे लेते जाओ आपको हर 2-2 दिन का फर्क, आगे तक वो सामने 1 महीने की है पीछे,
आपको पूरा फर्क है कि कितने एरिया में कैसे फैल रही है। तो ये भी नहीं इसको दो इंच ऊपर से काटना है नीचे से, हम तो बिल्कुल रगड़ के काटते हैं ये अपने आप। और ये भी नहीं है कि कई बार नेपियर घास में क्या होता है, इतने बड़े बड़े तने हो जाते हैं, 3 साल बाद आपको लेबर चाहिए होती है बहुत सारी, ताकि आप उसको उखाड़ के बाहर खेत से निकाल सकें। तो इसमें वो भी कोई समस्या नहीं है। अगर आपने ये नहीं भी रखनी या आपने इसको बीच में मिट्टी के मिक्स करना है, दोबारा कुछ नई फसल बोनी है, तो आप आराम से रोटावेटर कल्टीवेटर कुछ भी यूज़ करो और आप इसको वो कर सकते हैं। अब आप यहाँ आके देखें, इन पौधों को देखें, ये भी एक ही पौधा है, अगर आप गिनती करो ये 60 होंगे कम से कम जी। तो और सबसे खास बात, मोटा ही नहीं है, तो किसी भी छोटा बच्चा हो गया या बड़ा हो गया उसको खाने में कोई समस्या नहीं, और कोई इसमें वो नहीं है कि ये मीठी नहीं है ना, ये लाल होती है नॉर्मल ज्वार लाल हो जाती है, काणी हो जाती है, इसमें वो समस्या है, इसमें कीड़े की समस्या नहीं है। तो इसको लगाने का सही समय क्या है रवि जी? इसको वैसे तो आप कभी भी लगा सकते हो, मगर अगर हम इसको उसमें बो देते हैं अपना फेबरी से लेके बारिश से पहले पहले जी, तो उस समय क्या होता है, एक तो मौसम बड़ा अच्छा होता है और दूसरा बारिश से कई बार अगर जो छोटे पौधे होते हैं पानी खड़ा होता है जहाँ पे, तो पौधे मर जाते हैं जी। तो चाहे कोई नेपियर हो चाहे कोई जितनी भी स्टिक्स से बोते हैं जो फसलें, वो फेबरी टू बारिश से पहले पहले जी बो दी जाएँ, या गर्मी भी उस समय ज़्यादा ना उस समय बोएं तो अच्छा समय, ये भी अच्छा समय इसका। पर अब आगे ठंड आ रही है तो ये दिसंबर और नॉर्मल नेपियर की जैसे दिसंबर और जनवरी में थोड़ी स्लो हो जाती है, रुकती नहीं जी, बस उस समय ये मान के चलिए आपकी आधी कटिंग रुकेगी जी, बाकी उसके बाद फिर कंटिन्यू चलती रहती है। तो और इसमें हमने कोई ये बीच बीच में आपको पौधे कुछ पीले पीले रंग के नज़र आएंगे, वो इसीलिए क्योंकि हमारा ये ऑर्गेनिक है, तो हमने कहीं भी यूरिया इसमें यूज़ नहीं किया जी। शायद अगर यूरिया यूज़ करते तो प्रोडक्शन कुछ और ज़्यादा मिल सकती थी, पर मैं इन चीज़ों के खिलाफ हूँ, क्योंकि गौ माता ने या हमारी भैंसों ने किसी ने भी ये चारा खाना है, दूध तो हमने ही पीना है जी। तो कोशिश करें कि कम से कम अपने घर के लिए तो ऑर्गेनिक चारा पैदा करें आप जी। जी ये भाई जी, ये मैंने ऐसे ही ना, यहाँ पे पानी भी नहीं है, मतलब ऐसे ही ये एक मतलब बची हुई थी, एक डंठल था इसका जी, दो गाठों का, मैंने ऐसे ही गाड़ दिया आप जी गोबर के पास, और आप देख सकते हो ये अभी 20 दिन पहले काटा था, और 1, 2, 5, 6, 7, 8 और 9 20 दिन में मात्र 9, ये पहली बार का ही है, और आप देखो कितनी दूर से निकला, एक तो ये इतने गैप से निकल रही है जी। और सबसे अच्छी बात है इसमें ये नहीं है कि नीचे जड़े जड़े ही हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता, तो आप नीचे तक आपका जो चारा है वो सारा गाय भैंस खुश होकर खा लेती हैं। जिस प्रकार सुपर नेपियर या नेपियर में नीचे बहुत बड़ी बड़ी जड़े हो जाती हैं, आप ये देखो अभी ये मेरे हाथ से टूट गई, ये आप स्टिक देखो इसकी, यहाँ भी इसको जड़े निकल आई जी। और अगर आप इसको भी मैं यहाँ बो दे देता हूँ तो आप कुछ दिन बाद देख लेना, ये आपको ऐसे ही हरी मिलेगी यहाँ पे जी। और बल्कि जहाँ हमने इसका चारा काट के भी गिराया था उस जगह भी जो खोर में बचे हुए चारे से भी इसके ये फूटा फुटाव फूट गया जी, ये इतनी फुटाव तो आपको शायद नेपियर या किसी और चारे में नहीं मिलेगी जी। और ऊपर से यहाँ पर ना कोई पानी की व्यवस्था, ये गोबर में गाड़ा हुआ था, बस ऐसे गोबर के पास गाड़ दिया था मैंने जी। और भी स्टिक्स लगाई हैं, और वो सारी क्योंकि आप खेत में भी देख रहे हो, वो सारे मैंने एक एक झाड़ से ही तैयार किया हुआ है, और ये किसी कंपनी ने या किसी उसने तैयार नहीं किया, ये खुद नेचर ने, खुद राम जी ने तैयार किया हुआ पौधा है ये सुपर ज्वार है जी, इसमें किसी विज्ञानी या किसी इंसान का हाथ नहीं है। तो एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर उपलब्ध करवाएं रवि जी। जी जी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9417466049। तो अपना एक बार पता और बताएं जी। मेरा गाँव है नंदपुर जशो, जिला पटियाला, पंजाब। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी अच्छी और शानदार जानकारी दी।